अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स. अब हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में अलग अलग कितनी कैटेगरी के ग्राफ देखने वाले हैं. ओके, और इस लेक्चर में हम सबसे पहला ग्राफ देखेंगे, पोजिशन टाइम ग्राफ. पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम ग्राफ मोशन को कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, यहाँ पर हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है कि जो एक्स एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस है, इट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट एक्सिस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर अगर हमने टाइम लिया है, क्योंकि टाइम इज़ अ काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. ओके, टाइम कैसा होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता है. हम कह सकते हैं कि एट दिस पोजिशन, एट दिस टाइम वी विल एट दिस पोजिशन. ओके, किसी पर्टिकुलर टाइम पर हम किस पोजीशन पे होंगे वो कह सकते हैं, पर हम उल्टा नहीं कह सकते. हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम इस पोजीशन पे होंगे तो टाइम ये होगा, इट इज़ नॉट डिफाइंड. ओके, तो यहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबलों का, एक्स एक्सिस पे हम अगर टाइम को लेते हैं, और वाई एक्सिस पर, यहाँ पर वाई एक्सिस पर हम तीन चीज़ों को ले सकते हैं. अगर हम पोजीशन को लेते हैं तो उसे कहेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, दैट इज एस टी ग्राफ. क्या कहेंगे उसे, एस टी ग्राफ. अगर हमने वेलोसिटी लिया, वाई एक्सिस पे क्या लिया है, वेलोसिटी लिया है, तो उसे हम कहेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ. क्या कहेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वी टी ग्राफ. ओके, और वाई एक्सिस पे अगर हमने एक्सेलरेशन लिया है, वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, एक्सेलरेशन, तो उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ या फिर ए टी ग्राफ. तो टाइम के रिस्पेक्ट में हमारे पास में तीन कैटेगरी होती है, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. सेम एज इट इज़, हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पर पोजीशन भी ले सकते, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो होता है वो पोजीशन का भी फंक्शन होता है. अलग अलग पोजीशन पर एक्सेलरेशन अलग अलग है, उसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. ओके, तो हमारे पास में वाई, फिर से तीन ग्राफ हमको मिलता है. अगर हम ए, y एक्सिस पे अगर हमने एक्सेलरेशन लिया तो उसे कहेंगे ए एस ग्राफ. ओके, y एक्सिस पे अगर हमने वेलोसिटी लिया तो उसे कहेंगे वी एस ग्राफ. और एक सबसे इम्पोर्टेंट और हम देख सकते हैं, दैट इज़ वी स्क्वायर एस ग्राफ. इसका भी एक इम्पोर्टेंस है, इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं. हम इससे कैसे कन्वर्जन करेंगे, कैसे न्यूमेरिकली कन्वर्ट करेंगे, वो हमको समझना है. तो यहाँ पर हमारे पास में टोटल सिक्स ग्राफ है, जिसमें से ऊपर के तीन ग्राफ टाइम के रिस्पेक्ट में और नीचे के तीन ग्राफ जो है वो पोजिशन के रिस्पेक्ट में. और न्यूमेरिकल कैसे हम इन क्वेश्चंस को, इन ग्राफ को न्यूमेरिकली कन्वर्ट करेंगे, कैसे इनसे वैल्यू हम यूज़ करेंगे, इनकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या चीज़ें हम इन ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं, वो देखने वाले हैं. तो सबसे पहला ग्राफ हम देख रहे हैं, सबसे पहला ग्राफ हम देखेंगे पोजिशन टाइम ग्राफ. तो सबसे पहले हम इस आरंभ सीरीज में आरंभ करने वाले हैं पोजिशन टाइम ग्राफ. ओके, तो यहाँ पर y एक्सिस पर हमने लिया है पोजीशन. ओके, y एक्सिस पर हमने लिया है पोजीशन और x एक्सिस पर हमने लिया है टाइम. ओके, पोजीशन टाइम ग्राफ. ओके, अच्छा, इस पोजीशन टाइम ग्राफ से क्या क्या चीज़ें हमको पता चलेगी, ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको पता चलेगी. सो द इन्फॉर्मेशन given by ST graph से कौन कौन सी information हमको पता चलेगी. पहला तो position ही पता चलेगा. Okay, so the position, you can find the position at any time, किसी भी time instant पर आप position find कर सकते हो. Okay, जैसे T1 पर S1 पता चला आपको. Second, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर हमने किसी पॉइंट पर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया, एस टी ग्राफ के किसी पॉइंट पर, जैसे हमने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये एक टेंजेंट है, इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, दिस इज टेंजेंट. ओके, और इसका स्लोप थीटा कैलकुलेट किया. सो दिस थीटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट at any time is equal to velocity. तो velocity कहाँ से पता चलेगा, velocity is equal to tan theta. Okay, so the second very most important
task that you can find, information that you can find using the position time graph is you can find the velocity. You can find the instantaneous velocity. You can find the average velocity also. Average speed find कर सकते हो. तो ये position time graph बहुत ज़्यादा important है जो हमको बताता है velocity. Numerical की help से हम समझेंगे कि किस कैसे आप पोजिशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो. तो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल. तो एक क्वेश्चन हमारे पास है पोजिशन टाइम ग्राफ का. ओके हमारे पास क्वेश्चन है अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन. एक बात ध्यान रखना है कि अगर हम वन डायमेंशन में मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वन डायमेंशन में एक ही डायरेक्शन, तो वहाँ पर वेलोसिटी और स्पीड एक जैसा होता है. वेलोसिटी और स्पीड का कैलकुलेशन एक जैसा होता है. पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन एज, फर्स्ट हमको फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी ऑफ ग्राफ ड्यूरिंग द मोशन. ओके तो एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या क्या चीज़ें होने हमारे पास होना चाहिए. तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल displacement divided by total time, total displacement divided by total time. ओके एवरेज वेलोसिटी से आपको क्या पता चलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम. सो दिस वी एवरेज इज इक्वल टू फ्रॉम दिस ग्राफ. अब ग्राफ पे आ जाना है हमको, है ना. यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है इस पर हमने टाइम लिया है, दिस इज द टाइम इन सेकेंड. ओके टाइम किस में है, यहाँ पर सेकंड में है. और वाई एक्सिस पे हमने पोजीशन लिया है एस इन मीटर. ओके तो यहाँ पर अगर हम टोटल फाइनल पॉइंट ये है, है ना, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा टू. कितना होगा टू, यहाँ से दिख रहा है. और टाइम कितना लगा 20, टाइम कितना लगा 20 एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट. ओके तो यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में है 2 और टाइम लगा 20 सेकेंड. तो हम इसे लिखेंगे 1/10 या फिर 0.1 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ द एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम की हेल्प से. सेकेंड बी पार्ट मैक्सिमम वेलोसिटी. अब यहाँ पर हमको बेसिक कॉन्सेप्ट पे पहुँचना पड़ेगा, हाउ यू विल फाइंड द वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू स्लोप. स्लोप का मतलब क्या है, टेंजेंट ऑफ थीटा. थीटा किसका ज़्यादा, किस पॉइंट पर, किस इंटरवल पर. यहाँ पर आप इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ हमको दिख रहा है ना, किस इंटरवल पर हमको मैक्सिमम स्लोप मिल रहा है. तो हमको ए से बी, ये जो ए से बी है इस इंटरवल पर स्लोप मैक्सिमम है. तो यहाँ से हम स्लोप निकाल लेंगे, टेन थीटा निकालेंगे. तो बी पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी. मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम स्लोप. तो वी मैक्स इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा हमको पता है हाइट डिवाइडेड बाई बेस होता है. तो हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेंगे. ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल. ओके ये ट्राइंगल हमने बनाया, तो इस ट्राइंगल का हाइट और बेस हमको पता करना है. ट्राइंगल का हाइट और बेस हम कैसे पता करेंगे, है ना. तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, यहाँ तक कितना होगा, ये आप देखो टोटल ब्लॉक्स कितने हैं, वन के बाद 1, 2, 3, 4, 5 पांच ब्लॉक है, है ना. मतलब कि हर एक ब्लॉक जो है वो 0.2 का होगा, है ना. एक को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 0.2. तो यहाँ पर ये जो होगा ये होगा 1.2, ये जो वैल्यू होगी वो होगी 1.4, ये जो वैल्यू होगी 1.6, ये जो वैल्यू होगी 1.8. ओके तो हमको बी पॉइंट, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, पॉइंट 1.4 पर. और ए वाला पॉइंट कहाँ पर है, तो ये होगा 0.2, ये होगा 0.4, ये होगा 0.6, ये होगा 0.8. तो ए वाला जो पार्ट है वो कहाँ पर है, 0.4 पर. और बी वाला पॉइंट कहाँ पर है, 1.4 पर. तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, दिस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1.4 माइनस 0.4. ये आपको समझ में आया होगा. अब हम टाइम की बात करें तो हमको ये टाइम इंटरवल कैलकुलेट करना है. तो ये था 10, ये था 10.2 और ये था 10.4. तो ये टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, 0.4.
सेकेंड, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 0.4 सेकेंड, हाइट डिवाइडेड बाय बेस, दिस हाइट ए बी, दिस 10 थीटा इज इक्वल टू ए बी, सॉरी इस पॉइंट को एन कंसिडर कर लेते हैं, तो बी एन, बी एन डिवाइडेड बाय ए एन, वही हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, तो ये हो जाएगा 1.4 में से 0.4 गया तो 1 डिवाइडेड बाय 0.4 मतलब कि 10/4 मतलब कि 2.5 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर, है ना। तो हमने यहाँ पर दोनों पार्ट सॉल्व किए, है ना। इस पार्ट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमको क्या पता चलता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमको पता चलता है कि एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं और मैक्सिमम कैसे फाइंड कर सकते हैं, या किसी भी इंटरवल, टाइम इंटरवल में अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे जिसकी हेल्प से हम पोजिशन टाइम ग्राफ के कॉन्सेप्ट को समझे। नेक्स्ट ग्राफ में हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाला है और कॉन्सेप्चुअल भी होने वाला है, क्यों, क्योंकि उसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।